प्योर उल है ये, 100% 100% सारी चीजें ये बाहर जाती है हिंदुस्तान से। ये 50 रुपए का क्रोशिया। और मेरा आज का डेस्टिनेशन है इंद्रलोक। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये मार्केट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ इंद्रलोक के वूल मार्केट में और आपको यहाँ विजिट कराती हूँ कि क्या वाकई में सस्ता है यहाँ का वूल और कितना सस्ता है और आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो सकता है आपके घर तक पहुँचने में। तो सब कुछ जानेंगे, तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहें। तो यहाँ से एंट्री गेट है इसकी, चलिए इंटर करते हैं अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वूल और वुलन प्रोडक्ट्स भी काफी दिख रहे हैं, 500 के दो, 600 के दो। यहाँ आपको बटन्स वगैरह भी मिल जाएंगे और ये वूल ही वूल आपको दिखेंगे यहाँ आते ही। कितने का भैया? 10 रुपए का। ये कितने ग्राम है? 10 रुपए का, 25 ग्राम। और यहाँ बुनाई से रिलेटेड सारा सामान भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे बॉर्डर ले लेंगे, ये सिलाई वगैरह भी है। इसका क्या प्राइस है? 60 रुपए का 1 पेयर, कोई भी साइज ले लो। तो ये बड़े साइज में? ये बड़ा साइज 130 का है। 130 का, ये भी 130, ये 100, ये 70 रुपए का है। 70। सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? सबसे बड़ा साइज ये है। ये कितना नंबर है? 000। 000। ये कितना बताया आपने? 130 का ये पेयर है, 130 का पेयर। और सबसे छोटा साइज? सबसे छोटा साइज 25 रुपए का आएगा। ये 25 का पेयर सबसे छोटा साइज, 9, 10, 11, 12 25 रुपए, 9, 10, 11, 12 25 रुपए पेयर। इसमें 6, 7, 8 लोग, 40 रुपए का पेयर आएगा। अच्छा, 6, 7, 8 40 रुपए का पेयर, 40 रुपए का शॉल बनाने का। ये छोटा कुरेशिया 10 रुपए का, ये 50 रुपए का कुरेशिया एक पेयर, या वन पीस। ये 40 रुपए का 1 पीस, ये 50 रुपए का 1 पीस। सिंगल पीस मिलेगा 60 रुपीज में, ये 70 रुपीज का सिंगल मिलेगा। मतलब जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा ना। ये सिंगल पीस 80 रुपए का। ये क्या भैया? ये अच्छी होल्डर है, हाँ, फंदा रखने का। अच्छा, कितने का है? 20 का 1। तो इस मार्केट में मैं आ गई हूँ इनकी शॉप पे और जानते हैं कि इनकी शॉप में क्या प्राइस है वुल का, और वुल का जो भी सवाल होता है मैं इनसे करती हूँ। तो चलिए, उससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इस मार्केट में क्या प्राइस है। तो चलिए पूछते हैं, भैया आप क्या क्या दिखा रहे हो आज? मैम हम दिखा रहे हैं वर्धमान उसवाल की वूल, और हर वैरायटी मिलेगी हमारे पास। पहले शुरुआत करते हैं, 3 तार के हैं गोले, इसमें लड्डू गोपाल जी की बनती है। अच्छा, 3 तार के हैं जी, 3 तार। क्या प्राइस आप साथ साथ बताते रहिए? 300 ये पड़ेगा, 1 रुपया खाली, एक गोला 30 रुपए का जी। ये है इनका इंटरनेशनल का काउंटर, सारी चीजें ये बाहर जाती है हिंदुस्तान से। अच्छा, इंडिया से बाहर जाती है। इसका एक सैंपल पेपर रखा हुआ है। मैं अभी पहली बार इतना मोटा वूल देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल रस्सी ही है। ये इसका सैंपल है दीदी। अच्छा अच्छा, ये इसका सैंपल है, देखिए इससे ये बुनाएगा। इसका प्राइस नहीं बताया आपने? ये 1000 रुपए केजी है। 1000 रुपए केजी जी। लेकिन अगर आपके चैनल से कोई हमें फोन कांटेक्ट करता है तो हम उसे 800 रुपए केजी लाएंगे। ये आपके लिए। वेरी गुड, यही चाहिए हमारे। ये आपके लिए। हमारे सब्सक्राइबर को कुछ फायदा होना चाहिए। ये 800 रुपए केजी लगेगा ना जी? वाओ, ये तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रही हूँ इतने मोटे मोटे हुए। ये बाहर के वीडियोस में दिखते हैं इतने मोटे वो। ये भी सेम प्राइस है भैया जी? 1000 रुपए केजी। अच्छा, ये लीजिए जी। वाओ, ये कहते हैं कंगूरा, ये कंगूरा ऊन है जी। ये 1000 रुपए केजी। ये तो बिल्कुल लेस की तरह है। हाँ जी। और ये कौन सा ऊन है भैया? देखते मोटो, मोटो ही है जी। ये इसका क्या प्राइस है? इसका कुछ भी ना लो। नहीं, प्राइस वगैरह? 1000 रुपए केजी।
1000 रुपए के जी। बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी है। और क्या आप दिखा रहे हैं? पतले में, फर वाले में, ये है हमारे पास लाइट वेट क्वालिटी, हल्की, बिल्कुल लाइट वेट है। वाकई में ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, इसे मैं इस पे रख के देखती हूँ। 0.066 ग्राम, ये देखिए इतना लाइट वेट है। और एक ये लाइट वेट क्वालिटी में है, वाओ, बहुत ही सुंदर वूल है। कैमरा में पता नहीं कैसा आ रहा, बट मैं हाथ में लेकर देख रही हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिख रही है इसकी जी। 100% प्योर वूल। कौन सा है? प्योर वूल है ये। 100% डब्बे में रखें, छोटा डब्बा, इसका क्लोज अप लीजिएगा। ये इसका क्या प्राइस होगा? 1000 रुपए केजी। अगर कोई आपके चैनल से फोन करता तो मैं लाऊंगा 800 रुपए केजी उसको। ओके, इसका भी वही प्राइस है। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। वेरी गुड। आप ये हल्की वाली वेलवेट, लाइट वेट। अच्छा, ये लाइट वेट वेलवेट में ही है। वाओ, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब हिंदुस्तान से बाहर जाती है। इसका क्लोज अप लीजिए। ये वेलवेट क्वालिटी में है, बहुत ही सुंदर। ये इंडिया से बाहर जाती है, बट हम इंडियंस भी इसे बनाकर पहन सकते हैं। मैं तो सोचती थी कि ये विदेशों में ही शायद मिलता होगा ऐसा वूल, बट यहाँ मिल रहा है इस मार्केट में, तो ये तो सब मिलता है। अच्छा, ये मार्केट की कुछ खासियत बताइए। इस मार्केट में ऊन, गर्म कपड़ा अच्छी मिलती है, खास के वूल के लिए ही है ना ये? हाँ, खास वूल के लिए। ऑल इंडिया कस्टमर आता है। अच्छा, गर्मियों में क्या होता है फिर? कूलर मिलता है यहाँ। अच्छा, इस मार्केट में फिर गर्मियों में कूलर मिलते हैं। वेरी गुड, मतलब हॉट एंड मतलब कोल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ। ये ओसवाल का गोला है। अच्छा, इस पे भी ओसवाल ही लिखा हुआ है? जी जी, लेकिन ये ओरिजिनल वाला नहीं है। ये ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन है कि आपने बता दिया? हाँ, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। क्या पहचान है भैया ओसवाल के ओरिजिनल का? मैम, इस पे हर चीज लिखी जाएगी। अच्छा, ये देखिए, ये हर चीज 480 रूपए 400 ग्राम। ठीक है, एक्रेलिक पॉलिस्टर पॉलीमाइड जितना मिक्स है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसे स्कैन करवाना, इसकी पूरी डिटेल लाइक कर दूंगा। ये स्कैन करते हैं, दे रखा है। ये क्या है? वेलवेट वाली ऊन है ये। दिखा दीजिए। इसे बच्चों के बनते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बच्चों के वर्तमान के। इसका क्या प्राइस है? 370 रूपए पाउंड है ये। 370 रूपए पाउंड जी। ठीक है। अच्छा, ये कितना पाउंड होगा? ये पूरा 1 पाउंड है। 1 पाउंड है ये, 370 का पड़ेगा जी। ठीक, 400 ग्राम, 400 ग्राम वर्धमान। इस पे पूरा लिखा होगा इसके पीछे। ये भी वर्धमान का ही है। एक बार एक गोला खोल के दिखा दीजिए। ये लीजिए। हाँ, ये रहा वर्धमान का। ये कितने प्लाई का है? ये 4 प्लाई का है। ये 4 प्लाई का बोल है। 210 ग्राम का पैकेट है, 240 रूपए का पैकेट है इसकी MRP। अच्छा, लेकिन हम देंगे खाली 180 रूपए का। ओके, 180 का आप देंगे। हर चीज पे डिस्काउंट मिलेगा हमारे पास, हर चीज पे, सब चीज पे जी। ठीक, ये लॉन्ग फर बोलते हैं इसे। लॉन्ग फर जी, ये 160 रूपए पाउंड है। 160 रूपए पाउंड, 400 रूपए किलो। अच्छा जी, ये वर्धमान की है। ये भी वर्धमान की है। क्या है ये? चार्मिंग। अच्छा अच्छा, हाँ। इसे आप नेट पर सर्च मार सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी, वूल के बहुत सारे वैरायटी होते हैं जिनका नाम हम लोग अक्सर जानते नहीं है, बट इनको सब कुछ पता है इसलिए बता रहे हैं। ये 260 रूपए पाउंड है, लेकिन आपको लगेगी 650। नहीं, हमारे पास आने पे आपको 600 रूपए किलो आएंगे। आपको 600 रूपए किलो। ओके, देखिए इनके पास आने पर आपको ये फायदा मिल सकता है। अच्छा भैया, ये ऑनलाइन वगैरह? ऑनलाइन हमारे पास ऑल इंडिया कई माल है हमसे। ऑल इंडिया, और इंडिया से अगर बाहर गए तो? इंडिया से बाहर ही पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। अच्छा, भेज देंगे हम, लेकिन अगर आप सामने वाला जो इसका चार्ज हो वो उसका होगा। अच्छा ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उनका होगा, कुरियर चार्ज। कई माल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। अच्छा, ठीक है। और इंडिया में क्या चार्जेस वगैरह, मतलब यानी कि दिल्ली में 50 रूपए किलो लेता हूँ। अच्छा, और दिल्ली से बाहर यूपी लगता है तो 60 रूपए किलो। और उससे बाहर अगर गया तो मैम वो उनका चार्ज होगा। अच्छा, वो कुरियर चार्ज उनका होगा जो मंगाएंगे। और एक्सचेंज वगैरह का? एक्सचेंज भी जाएंगे, वहाँ से आप वो करा देना पार्सल में, यहाँ से भेज दूंगा। कोई भी शिकायत आती है तो ठीक है। चलिए, ये 320 रूपए पाउंड है।
800 रुपए के जी। हाँ, इसका नाम है मोटो। मोटो, ये मल्टी में आई है। अच्छा, ये ओरिजिनल वर्धमान की है। ये ओरिजिनल है। क्या प्राइस बताया था आपने? 320 रुपए पाउंड, 800 रुपए के जी। 320 रुपए पाउंड। सितारे वाले। अच्छा, ये सितारे वाले थे। और आप लोग क्या यहाँ की पुरानी कस्टमर हैं? कितने साल से आ रही हैं? काफी साल हो गए। यही रहती हैं। अच्छा, तो इस दुकान की कुछ खासियत बताइए। अच्छे हैं भैया, अच्छे दिखाते हैं, क्वालिटी अच्छी है इनके। अच्छी आते हैं हम लोग सब। अच्छा हाँ, कस्टमर रिव्यू सबसे मेन है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपकी सुविधा के लिए मैंने एक दुकान का रिव्यू लिया है। और ये कुछ सैंपल्स हैं इनके दुकान के वूल से बनाए प्रोडक्ट के। ये देखिए। वाह, अरे वाह, कैप भी है जी। ये इसका फ्रॉक, फ्रॉक का ये कैप है इसका। ये फ्रॉक स्टाइल में भी है। ये 100 रुपए की। ये देखिए दीदी, हर डिजाइन के मिलेंगे। बच्चे के सेट है। अच्छा, ये फराग है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी यहाँ है बने हुए, बहुत ही सुंदर। ये हाथ के हैं सारे। पोंचू। अच्छा, ये पोंचू हाथ से, ये क्रोशिया वर्क है ना? क्रोशिया वर्क है। हाँ आंटी जी, बताइए कुछ। ये भाई बहुत अच्छे हाँ। जब भी सही रेट लगाते हैं। हाँ, कितने दिनों बाद ले आओ, हाँ। चेंज करनी हो तो चेंज भी करते हैं। वेरी गुड, ये होना चाहिए कस्टमर का रिव्यू। अच्छा, ये मफलर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो हमने वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की वूल दिखाई थी उसका ही स्कार्फ बना हुआ मफलर। ये है मफलर, इसे थोड़ा सा क्लोज अप लीजिएगा। ये भी सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के बुने हुए। स्टॉल, ये स्टॉल, ये आप बुनवाते हैं सबसे? जी। अच्छा अच्छा, साथ साथ प्राइस भी बता दो भैया। ये मैम सैंपल है अभी तक मेरे पास। अच्छा, आपके पास सैंपल पीस है। वैसे कोई अगर कोई बनवाना चाहे तो बन जाएगा, तो उन्हें थोड़ा अंदाजा तो हो। ये कम से कम पड़ेगा 700 रुपए का। 700 का ये पड़ेगा। ये स्टोल लाइट वेट, स्टोल हल्का स्टोल। अच्छा, बहुत बहुत लाइट वेट है, कोई बात नहीं, उड़ जाएगा। ये बहुत ही लाइट वेट स्टॉल है और बहुत ही सुंदर स्टॉल है। ये यहाँ दिखा दीजिए, ये कैप भी है इनके पास। ये देखिए, पहन के दिखा दो, पहन लो, कोई बात नहीं। चलो पहन भी लेती हूँ, वैसे इतना ठंड नहीं है अभी। अरे कोई बात नहीं। ये रहा कैप, इट वाले वूल का जो मैंने ग्रे कलर का दिखाया था उसी का ये रेड कलर है, बहुत ही सुंदर। और ये वेलवेट वाली की ही स्वेटर्स बने हुए हैं। ये बच्चों का फ्रॉक, बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये न्यू बॉर्न बेबी का फ्रॉक, वाओ। हाँ भाई, कितना छोटा और कितना सुंदर लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। बैंड, शूज और फ्रॉक, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। मतलब वूल का भी इतना वैरायटी हो सकता है, मैं पहली बार देख रही हूँ। जो बुनाई के शौकीन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी दुकान, अच्छी मार्केट है ये। ये न्यूबॉर्न बेबी का एक और सेट, बहुत ही प्यारा फ्रॉक है। ये इसका हाफ है, दोनों हाफ में ही है, बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट। ये क्या भैया, पोंचू? वो नीचे जो होता है ना स्कर्ट, स्कर्ट, स्कर्ट ही है ना, बच्चों की स्कर्ट है। हाँ हाँ हाँ, और ये है स्कर्ट। हाँ, ये इसका ऊपर का, बहुत ही क्यूट सा स्कर्ट। नहीं, ये है। ये रही इसकी डोरी, इस तरीके से, ये इस तरीके। अच्छा, ये ऊन आप कहाँ से मंगवाते हैं? लुधियाना। लुधियाना से आते हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि था वूल मार्केट। और आपको पता ही चल गया होगा कि अभी मैं निकली हूँ दिल्ली के मार्केट एक्सप्लोर पे, जो कि बेस्ट मार्केट है बेस्ट चीज़ों के लिए। तो ये था मेरा वूल का बेस्ट मार्केट इन दिल्ली। और अगर आपको भी किसी मार्केट का एक्सप्लोरेशन चाहिए दिल्ली में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस मार्केट को एक्सप्लोर करूं और आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूं उस मार्केट का। जैसे ये वूल मार्केट में मैं आई हूं तो यहां का जो प्राइस मैंने आपको बताया है, आप भी अपने लोकल स्टोर पे या जहां से भी आप मंगवाते हो वहां से इसका कंपैरिजन कीजिए कि वाकई में ये सस्ता मार्केट है या फिर ऐसे ही है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं। और कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमारे दूसरे व्यूअर को भी सुविधा होगी कि हाँ ये मार्केट वाकई में जेन्युइन है और हमें यहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।